नमस्कार दोस्तों, मन भामन किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे गट्टे की सब्जी। गट्टे की सब्जी बनाने के लिए हम चना का बेसन लिए हैं। इसमें अब मसाला मिलाएंगे, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच कूटा हुआ जीरा, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे हाथ से मसल करके। स्वाद के अनुसार सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम इसमें 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अच्छे से मिलाएंगे, इसे हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मसल मसल के मिला लेंगे, इसमें लम्स न रहे इस तरह से। अब हम इसमें दही मिला करके डो लगा लेंगे। इसका थोड़ा थोड़ा डालेंगे। एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालें। शुरू में हाथ में चिपकता है, जैसे ही इसको मसल मसल के सान लेंगे, ये देखिए एक अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा इस तरह से। हाथ में चिपकता है तो थोड़ा हाथ में तेल लगा करके इसको अच्छे से मिला लीजिए। अब इसका हम बनाएंगे। देखिए डो कितना अच्छा सॉफ्ट तैयार हो गया है। बना लेते हैं इसका, अब इसका छोटा छोटा डोई बना करके बना लेंगे। इस तरह से बना लेंगे इसको। इस तरह का हम सिलेंडर का शेप देके बना लिए हैं। अब इसको हम गर्म पानी में उबाल लेंगे। हम एक पैन में पानी रखे हैं उबालने के लिए। देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब हम गट्टे को इसमें डाल देंगे। अब हम इसे तेज आंच पर 10 मिनट उबालेंगे। लो फ्लेम पर नहीं बनाना है, तेज आंच पर बनाएंगे तो उबाल इसमें तेजी से आएगा तो गट्टा आपका नीचे चिपकेगा नहीं। ग्रेवी बनाने के लिए हम टमाटर लिए हैं। इसको हम अभी मिक्सी में पीस करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ 2 बड़े टमाटर कट करके ले लिए हैं। उसमें हरा मिर्चा डालेंगे,
10 मिनट हो गया है। देखिए मेरा तैयार हो गया है गट्टा। ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये पूरा ऊपर उबल करके आ जाता है, पानी के ऊपर पूरा छाल आ जाता है, तो इससे हमको पता चलता है कि मेरा गट्टा पक के तैयार हो गया है। अब इसको हम ऑफ करके गैस को निकाल लेंगे पानी से। अब इसे एक प्लेट में निकाल के रखेंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा हो गया है, अब इसका हम पीसेस बना लेंगे इस तरह से कट करके। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। जो अगर तेल कम खाना पसंद करते हैं वो ऐसी ग्रेवी में डाल के बना सकते हैं या फ्राई करके भी बना सकते हैं। अभी हम इसको फ्राई करके बनाएंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसको डाल लेते हैं इसमें। कर ले, इसे निकाल दे इस तरह से। अब हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो अभी हम पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डाले हैं। इसमें अब 5 फोरन डालेंगे, 1/2 चम्मच हींग डालेंगे। 5 फोरन की अच्छी खुशबू आने तक इसको भून लें। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1 छोटा चम्मच। अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मसाले को अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक हम अभी डाल दिए हैं कि प्याज मेरा जल्दी अच्छा सा भून जाएगा। प्याज भून गया है, अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। तो पीस करके रखे थे। देखिए मसाला जब भून जाता है तो ऐसे किनारे से तेल छोड़ देता है। इस तरह से किनारे से तेल छोड़ दिया है। मसाला भून गया है, अब हम इसमें 1 कटोरी दही डालेंगे।
ग्रेवी तैयार हो गया है। अब हम इसमें पानी मिलाएंगे, एक कप पानी डाल रहे हैं। यहाँ बता दे रहे हैं हम, जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो ग्रेवी में बिना लहसुन प्याज के भी तैयार कर सकते हैं इस तरह से मसाला, टमाटर के दही के लेकर के। मसाले को उबाल आने तक पका लें। मसाला में उबाल आ गया है, अब हम इसमें गट्टा छोड़ देंगे इस तरह से। एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब इसमें कसूरी मेथी ऊपर से डालेंगे। पांच मिनट अब ढक के पका लेंगे। पांच मिनट ढक के पका लें। पांच मिनट हो गया, अब चेक कर लेते हैं। सब्जी बनके तैयार है। अब हम गैस बंद करके उतार लेंगे। अब एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसे गार्निश कर दें धनिया से। गट्टे की सब्जी बनकर तैयार है, बहुत ही बढ़िया बनता है। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।